त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त, त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलते हैं। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आप ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगे। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा तपस्या कर रहे हैं निरंतर योग परमात्मा के साथ। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि देख रही है परमात्मा को, मन अनुभव कर रहा है, संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। मैं आत्मा देह नहीं, देह से न्यारी एक परमात्मा की आत्मे, एक परमपिता परमात्मा मन बुद्धि में, दूसरा न कोई, निरंतर एक परमात्मा की याद तपस्या कर रहे हैं निरंतर। एक बाप दूसरा न कोई, मैं आत्मा त्याग कर रहे हैं इस तन का त्याग, मन बुद्धि में एक परमात्मा, और इसलिए मैं आत्मा देह से न्यारी, तो देह का त्याग, देह की दुनिया का त्याग, देह के संबंधों का त्याग, देह की दुनिया का कोई संकल्प मन में नहीं, बुद्धि में इस दुनिया का कुछ भी नहीं, मन बुद्धि से त्याग कर देना है देह को, देह की दुनिया को। तो त्याग कर दिया इस पुरानी दुनिया को और तपस्या कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की, और इसलिए निरंतर सेवा। मनसा वाचा कर्मणा मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा, मुख द्वारा वाचा की सेवा ज्ञान दे रहे हैं, कर्मणा गुणों का दान दे रहे हैं, और मनसा शक्ति की सेवा। मुझसे निकलते शक्तिशाली तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, चारों ओर शक्ति का अनुभव हो रहा है, शक्तिशाली तरंगे, और आसपास की आत्माओं को शक्ति का अनुभव हो रहा है। तो मनसा शक्ति की सेवा आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो निरंतर त्याग, तन मन धन सब कुछ त्याग दिया, मैं आत्मा शरीर से न्यारी एक परमात्मा की आत्मी, और इसलिए तपस्या, त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से निरंतर सेवा कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा शक्तिशाली सेवा, और इसलिए सेवा में सदा सफलता प्राप्त हो रहे हैं। एक बाप दूसरा न कोई, तपस्या कुंड बना रहे हैं, यह सेवा स्थान तपस्या कुंड बन रहा है। इस तपस्या कुंड में तन मन धन स्वाहा कर रहे हैं और निरंतर सफलता मिल रही है। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष हो रही हैं, मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन कर रहे हैं, इस धरनी को सेवा स्थान को तपस्या कुंड बना रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं यह सेवा स्थान नहीं तपस्या कुंड है। निरंतर त्याग तपस्या सेवा, मैं त्याग और तपस्वी मूर्त आत्मा, और निरंतर वृद्धि हो रही है, यह विधि है वृद्धि करने की।
त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली मैं निरंतर तपस्वी मूर्त। ओम शांति।